हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और टेस्टी सी रेसिपी लेकर। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू हरी प्याज वाली सब्जी, यानी आलू आल प्याज की सब्जी आज हम बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है और बहुत ही थोड़े से इन्ग्रीडियंट्स के साथ बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी इस लाजवाब सी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन, जिसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल के गरम कर लिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा, इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून जीरा और 4 से 5 बारीक कलियां लहसुन की कट करके। इनको हल्का सा गोल्डन कलर चेंज होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। इसके बाद 3 से 4 जो आलू थे उनको मैंने धोकर बारीक काट के इस तरीके से रख लिया था, तो वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और उसी को हमने अपने तेल में, जो हमारा लहसुन और जीरा पका था, उसी के साथ हम आलूओं को भी पकाएंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच नमक का। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 किलो आल प्याज यानी हरी प्याज ली है और 3 से 4 मैंने आलू लिए हैं, तो उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे दोनों ही चीज़ों को, जिससे कि हमारे आलू जो हैं उनके जो कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। सभी चीज़ों को मिक्स करके और कुछ देर के लिए ढक के पकाएंगे, लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, नहीं तो हमारे जो आलू हैं वो मसाले के साथ जल जाएंगे, तो मीडियम फ्लेम ही हमें यहाँ पर रखनी है और ढक के पकाना है। थोड़े थोड़े गैप पे इसको हमने चलाते हुए पकाना है, अदरवाइज जो हमारे आलू हैं वो एक साइड से जल जाएंगे। आलू हमारे 1/2 पक चुके हैं यहाँ पे। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपने ग्रीन ऑनियन, जिनको मैंने काट के और धो के काफ़ी अच्छे से रख लिया था। इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा तो पानी जो हमने धोया था उसका रहता ही है, तो इस तरीके से पहले थोड़ा डाल के और सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट पक जाने के बाद हमने आलू, नमक और हल्दी के साथ भी अपने ग्रीन ऑनियन को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये सारा प्रोसेस जो है हमने मीडियम फ्लेम पे ही करना है। आंच अगर हम तेज कर देंगे तो उस टाइम पे हमारी सब्जी जो है जल सकती है। अब हमारी जो ग्रीन ऑनियन है काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसमें हमने बेसिक से मसाले ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तो तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच ली है, धनिया पाउडर भी 1 चम्मच लिया है और जो गरम मसाला है वो मैंने 1/2 चम्मच यूज़ किया है। उसके बाद साबुत लाल मिर्चें, जो कि इसमें एक बहुत अच्छा लुक देंगे और एक बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर ऐड करेंगी, तो मैं वो इसके अंदर इस टाइम पर ऐड करूँगी और इस तरीके से अपने सभी मसालों को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी। चार से पाँच मिनट के लिए हमने सब्जी को इस तरीके से ढक के पकाना है, ताकि जो हमारे मसाले हैं, हमने जो अभी बेसिक से मसाले अपने ऐड किए हैं, वो सारे मसाले भी काफ़ी अच्छे से पक जाएं सब्जी के साथ। जब हमारी सब्जी को पकते हुए लगभग मसाला डालने के बाद 3 से 4 मिनट हो चुके होंगे, एक बार इसका ढक्कन हटाएंगे और इस तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करूँगी मैं टमाटर। तो जो टमाटर हैं आप उसको प्यूरी करके भी ऐड कर सकते हो, बिना टमाटर के आप इस सब्जी को एंजॉय कर सकते हो। और मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को टमाटर पसंद है इस सब्जी के अंदर, तो यहाँ पे मैं 2 टमाटर को ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा स्लाइस करके इस तरीके से काट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और सब्जी हमारी यहाँ पर ऑलमोस्ट बन के डन है। बस टमाटर डालने के बाद मैंने इसको लगभग 3 से 4 मिनट के लिए और पकाना है, जब तक हमारे जो टमाटर हैं थोड़े मशी से ना हो जाए। इसके बाद हम इसको 2 मिनट के लिए और ढक के पकाएंगे। दो मिनट बाद हमने ढक्कन हटा के चेक करना है। जो हमारे टमाटर हैं काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके होंगे,
और सब्जी के साथ इसको काफ़ी अच्छे से दोबारा से एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम कर देंगे हम ऑफ, और जो हमारी आलू और ग्रीन ऑनियन की जो सब्जी है, हमारी हरी प्याज वाली सब्जी आलू के साथ बन के हो गई है रेडी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी सी और बहुत झटपट सी बनने वाली सब्जी है। लगभग 15 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट सब्जी बन के डन हो जाती है। इसको बनाने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप इसको पराठे के साथ या सिंपल चपाती के साथ आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। सर्व कर ले रही हूँ मैं अपनी सब्जी को। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे रेसिपीज़ कैसे लगते हैं। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।